الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَقَالَ فِي مَقَامٍ آخَرَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ فإنه أغز للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال في مقام آخر تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاسِرٌ بِكُمُ الْأُمَمِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ أمي الهاشمي المدني الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين सना गो पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा जमीनो आसमां तेरे ये मौजूदो आदम तेरा जो दुनिया में तेरा खा कर शिकवे करे यारब ताज्जुब है के उस पर भी हो लुत्फो करम तेरा जो तू मेरा तो सब मेरा फलक मेरा जमीन मेरी और अगर तू नहीं मेरा तो कोई शे नहीं मेरी वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ान गरामी आपके सामने कुरान करीम फुरक़ान मजीद की चंद आयात तिलावत की और सरकार दो आलम ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पेश की। अंग्रेजी और ईसवी कैलेंडर के मुताबिक 2021 का साल शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता साल में
बहुत सी अल्लाह की नाफरमानियाँ हुई, बहुत से गुना सरजद हुए, बहुत सी सुन्नतों को हम छोड़ बैठे, उसकी तलाफी के लिए इस साल में हम नेकियों का इरादा करें। मुआशरे के अंदर बहुत सी बुराइयां हैं जिससे मुआशरा बेचैनी, बेसुकूनी, तजब्जुब, इस्तेराब में मुब्तला है। एक बहुत बड़ी बीमारी, एक बहुत बड़ा गुना सुन्नत निकाह न करना, निकाह में ताखीर करना, निकाह में शरीयत को फॉलो न करना, गैरों के तरीके पर निकाह करना, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। कुरान करीम की इस आयत से साबित हुआ कि अल्लाह ने जितने भी अंबिया भेजे, रसूल भेजे, तो उन सब ने इस सुन्नत को अपनाया। वलकद अरसलना रुसुलम मिन कबलिक वजअलना लहुम अज़वाजन वज़ुर्रिया, कि तहकीक हमने तुमसे पहले भी बहुत से रसूल भेजे और उनकी बीवियां भी थी, औलादे भी थी। इस आयत से ये साबित हुआ कि ये निकाह तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात की सुन्नत है। एक जगह यूं भी आया कि चार चीजें अंबिया की सुन्नत और उनका तरीका है, उसमें से एक निकाह है। सुन्नत के मुताबिक निकाह, शरीयत के मुताबिक निकाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने शादी कर ली उसने आधा ईमान मुकम्मल कर लिया, आधा दीन मुकम्मल कर लिया। फलियत्तकिल्लाहा फिन्निस्फिल बाकी, वो बकिया आधे दीन में अल्लाह से डरे। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की, जवानों की एक जमात के पास तशरीफ लाए और आपने फरमाया, या माशर शबाब, ए नौजवानों, मन इस्ततवा मिनकुम अलबा, जो तुम में से शादी की ताकत रखता है। शादी की ताकत का क्या मतलब? कि उसके पास करोड़ों रुपए हो, उसकी 1 लाख से जायद आमदन हो, उसकी डिफेंस में कोई कोठी हो, उसके पास कोई लग्जरी गाड़ी हो, उसके पास वलीमे, फर्नीचर, हॉल, जेवरात, लिबास के लिए लाखों रुपए हो, नहीं। जो निकाह की ताकत रखे, वो फिजिकली सेहतमंद और फिट हो, औरत के हुकूके जोजियत को अदा करने पर कादिर हो, हाथ पांव उसके सलामत हो, 2 वक्त की रोटी कमा सकता हो, अपनी घरवाली के लिए एक साइबान और सर छुपाने को एक छत फराहम कर सकता हो,
जरूरत के दो चार जोड़े उसके पास हो, ना नफका और रिहाइश देने पर ताकत रखता हो, फल यतज़व्वज, तो उसको चाहिए कि वो निकाह करे, वो शादी करे, वो शादी के बंधन में अपने आप को बांधे। क्यों? फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल्बसर, ये नज़र को झुकाता है, व अहसनु लिल्फ़रज, शर्मगाह की हिफाजत करता है। अब ये नज़र को झुकाना, सारी रूहानी बीमारियों की जड़ कट गई, सारे ख्यालात और इंतिशार के दरवाजे बंद हो गए, सारे वसवसे और तवहुमात और गंदी चीजें ब्लॉक कर दी गई। एक नुक्ता अग़ज़्ज़ु लिल्बसर के नजर झुक जाए, लब बन, चशम बन, गोश बन, गर नबीनी सिर अकबर मां बखन, होंठों को ताला लग जाए, ये गलत न बोले, ये बे वक्त न बोले, ये बे जरूरत न बोले, ये सख्त न बोले, आंख बंद हो जाए, ये गलत न देखे, बे वक्त न देखे, बे जरूरत न देखे, और कान बंद हो जाए, ये गलत न सुने। फरमाए ये तीन दरवाजे तुम बंद करो, इस कायनात की हकीकत अगर तुम पर आश्कारा न हुई तो मेरा मजाक उड़ाना, और अगर ये तीन दरवाजे बंद नहीं किए, सारी दुनिया के पीरों से आप बेत हो जाए, सारी दुनिया के मुर्शिदों की आप जूतियां सीधी करने लग जाए, सारा दिन और सारी रात आप मस्जिद मदरसे में खानका और तबलीग में लगाएं, सारा दिन आप दीनी किताबों का मुताला करें, जिक्र में लग जाएं, फिक्र में लग जाएं, बयान करने लगे, बयान सुनने लगे, लेकिन अगर ये तीन दरवाजे बंद नहीं हुए, सारी दुनिया के रूहानी पीर मिलकर आपको वली नहीं बना सकते। ये मामूली बात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने मुबारक से निकली हुई हर बात में, हर लफ्ज में हिकमतों के समंदर पोशीदा है। दरिया बकूजा कहते, दरिया को कूजे में बंद कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खुसूसियात दी गई, जो और किसी नबी को नहीं मिली, उसमें पहली खुसूसियत उतीतु जवामिउल कलिम, मुझे जवामिउल कलिम दिए गए, मुख्तसर पुर असर बात दी गई, दो जुमलों में बहुत से राज समेट दिए गए, हिकमतें और सारी उसकी जो बेहतरीन जिहाद थी उसको जमा कर दिया गया। तो फरमाया जो निकाह की शादी की ताकत रखता है वो शादी करे, इसलिए कि निकाह करना नज़र को झुकाता है, और नज़र झुक गई तो काम बन गया। ये शैतान के तीरों में से एक तीर है। मन तरा कहा मखाफती अब्दलतु हु ईमानन यजिदु हलावतहु फी कल्बी, जिसने अपनी नजर को अल्लाह के खौफ से झुकाया, अल्लाह के खौफ से नीचे किया, फरमाया बदले में ऐसा ईमान दूंगा उसकी हलावत ये दिल में महसूस करेगा। आज बदकिस्मती ये है, मस्जिद आने को जी ही नहीं चाहता, आ जाए तो जम जाने को जी ही नहीं चाहता, जम जाए तो ख्यालात से छुटकारा नहीं मिलता, खड़े मस्जिद में हैं,
नमाज की हालत में है लेकिन दिल कहीं और है, जहन में कुछ और चल रहा है। तू जो सरबा सुजूद हुआ कभी, तो जमी से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। ये एक नुक्ता नजर को झुकाता है। नमाज को दिल नहीं होता, मस्जिद आने की तौफीक नहीं मिलती, मस्जिद में दिल बेकरार होता है, तिलावत की तौफीक नहीं मिलती, थोड़ा सा पढ़ते हैं चक्कर आते हैं, बेचैनी होती है, रात को नींद नहीं आती, दुआ मांगने का टाइम नहीं मिलता, टाइम मिले तो दिल नहीं करता, दिल करे तो कंसंट्रेशन और इस्तेहजार नहीं होता, मांग भी ले तो दुआ कबूल नहीं होती। सारी चीजों की बुनियाद आप देखें, नजर काबू में नहीं। इसीलिए फरमाया कि शादी करो ये नजर को झुकाएगा। वह अहसनु लिल फरज, और शर्मगाह की हिफाजत करेगा। नजर झुकेगी तो शर्मगाह महफूज। आज इन अहादीस पर मैं और आपने इतना गौर नहीं किया, इतनी रिसर्च नहीं की, इतना इसको स्टडी नहीं किया जितना अग्यार ने किया है। इसीलिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और यूरोपीय यूनियन जब आपसे कोई मुआयदा करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीजें भी शामिल होती हैं कि आप इसके बदले में इतने सिनेमा बनाओगे, आप इसके बदले में मिक्स गैदरिंग और को एजुकेशन सिस्टम, मर्द और औरत का मखलूत निज़ाम तालीम अपने मुल्क में राइज करोगे, आप अपने टीवी में ये लड़कियों के बेहयाई वाले एड चलाओगे, आप इस तरह के लिबास को प्रमोट करोगे, ये बाकायदा मुआहदे होते हैं। उनको पता है कि ये एक नजर की बीमारी इनमें दाखिल कर दो, इनका ईमान, इनका तकवा, इनकी लिल्लाहियत, ये सारी चीजें चली जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मुझे दो चीजों की जमानत दे, अज़मनु लहुल जन्ना, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। एक जो दो जबड़ों के बीच हैं जबान, एक जो दो रानों के बीच हैं शर्मगाह। अब शर्मगाह की हिफाजत, नजर की हिफाजत मदार है शादी पर, उस शादी पर जिसकी शरीयत ने तरगीब दी, उस शादी पर जिसको शरीयत ने आसान किया, सस्ता किया, आम किया, हमने उलट कर दिया। पहले तो लड़के के बारे में कहा जाता है कि जी ये मास्टर कर ले तो शादी करेंगे, मास्टर करने के बाद कहते हैं कि कुछ अच्छी सी जॉब मिल जाए तो शादी करेंगे, जॉब मिलने के बाद कहते हैं घर की कोई सेटिंग हो जाए तो शादी करेंगे, घर के बाद कहते हैं गाड़ी भी जरूरी है, गाड़ी के बाद कहते हैं कि शादी के लिए 15-20 लाख रुपए, मैं गरीबों की शादी की बात कर रहा हूं, 15-20 लाख रुपए होना भी जरूरी है। इस सारे प्रोसेस में उसकी उम्र हो जाती है 30 साल, और जो टीनेजर, जो शहवत के उरूज का और पीक का जमाना है जिसमें हर तरफ से शैतान अटैक करता है, वो उम्र 14-15 साल से शुरू होती है और 26-27 साल तक रहती है, जिसमें ज्यादा जरूरत थी निकाह की और शादी की, वो हमारी डिग्री, जॉब, मकान और खराफात की नजर हो गया। इस 15-20 साल में इसने जी भर कर गुनाह किए। दूसरी तरफ लड़कियों का भी ये हाल है, बेटी का रिश्ता आ जाता है, अभी तो ये बच्ची है, शर्मुन हो शर्मेगी, ये सारी चीजें नजर आ रही है,
ये सब हम अपनी आंखों से देख रहे, क्या हो रहा है, मुआशरा किधर जा रहा है, फिर भी आंखों पर पट्टी है, दिल पर पर्दा है और दिमाग पर ताला है, इसलिए कहता है अभी तो ये बच्ची है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीज़ों में ताखीर न करो, नमाज जब उसका वक्त हो जाए, जनाजा जब वो तैयार हो जाए, लड़का लड़की जब वो बालिग हो जाए। फिका के मुताबिक लड़का बालिग होता है 14-15 साल में, लड़की बालिग होती है 13 साल में, और मौसमों की वजह से बाज जगह बच्चे जल्दी बालिग होते हैं, और आज मीडिया का ज़माना है, फहाशी और औरियानियत का ज़माना है, अब ज़्यादा जल्दी बालिग होते हैं। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक भी 18 साल में शनाख्ती कार्ड बनता है, तो कम से कम पाकिस्तानी कानून को अगर देखना है तो भी 18, 19, 20 साल में शादियां की जाए, गुनाह ख़त्म होंगे, जिना कम होगा, निकाह का रेशो बढ़ेगा। आज निकाह का रेशो कम है और जिना का रेशो ज़्यादा है, क्यों? हमने मुश्किल जो बना दिया। भाई गरीब आदमी तो शादी के बारे में 100 बार सोचता है, कैसे करूंगा। जब रिश्ता आता है पहले तो कहते बच्ची की उम्र ही क्या है, फिर जब उम्र भी हो जाती है तो कहता है लड़के का घर अपना या पराया है। फिर दूसरा सवाल, घर अपना है तो गाड़ी है या नहीं, गाड़ी है तो लड़के ने MBA किया हुआ है या नहीं, MBA किया है तो जॉब इसकी परमानेंट है या नहीं, जॉब परमानेंट है तो इसकी आमदन और कमाई कितनी है, कमाई इतनी है तो फिर इसका गेटअप कितना है, इसकी दाढ़ी तो नहीं है। यानी पूरी कोशिश आज के माँ बाप की यह है कि मेरी लड़की की शादी ना हो, पूरा इंतजाम ही खड़े दे, इसकी पूरी कोशिश यह है कि शादी चिदारा तदलता नास्ते, मैं गलत तो नहीं कह रहा, इसका क्या मतलब है? इतनी जो आपने क्राइटेरिया बनाया हुआ है उसको कौन फुलफिल करेगा? और फिर कहते हैं चिपकम गुना की अल्लाह रानी सलेमा, पता नहीं हमसे कौन सी गलती हो गई, यही गलती हो गई, यही गलती कर रहे हो, बार बार दोहरा रहे हो। इसीलिए हदीस पाक में, कुरान पाक में इस शादी और निकाह को इतना फोकस किया गया, तो फरमाया कि ये निकाह करो, नजर को झुकाता है, शर्मगाह की हिफाजत करता है। और फरमाया जिसने शादी कर ली उसने आधा ईमान हासिल कर लिया, फलियत्तकिल्लाह फिन्निस्फिल बाकी, बकिया आधे ईमान में वो अल्लाह से डरे। मैं अक्सर ये मिसाल देता हूं कि हमने शादी को मुश्किल बना दिया, महंगा बना दिया, और उसके दरवाजे बंद कर दिए, और जिना आसान बना दिया। 10 मिनट की खिलवत चाहिए और तन्हाई चाहिए और जिना हो जाएगा, और शादी करनी है तो क्या होगा, ये चीजें होगी, ये चीजें होगी। अब वो बेचारा हज भी कर रहा है, हर साल उम्रे पर भी जा रहा है, तबलीग में भी फिर रहा है, खानकाहों के चक्कर भी लगा रहा है, मस्जिदें भी बना रहा है, मदरसे भी बना रहा है, कुएं भी खुदवा रहा है, हॉस्पिटल भी बना रहा है, राशन भी तकसीम कर रहा है, और खैर के बहुत सारे काम ये कर रहा है, लेकिन अपने घर के अंदर चराग तले अंधेरा है। इसीलिए इस निकाह के अमल को आम और आसान और सस्ता कराने की कोशिश होनी चाहिए। सईद इब्ने मुसय्यब रहमतुल्लाही अलैह ताबिई गुजरे हैं, अल्लाह के वली थे,
उनकी एक बेटी थी, उस जमाने का जो गवर्नर था वली अहद था, उसने अपने बेटे के लिए रिश्ता भिजवाया, लेकिन हजरत ने इनकार कर दिया। शरीयत के मुताबिक जोड़ जो नहीं था, हम तो सिर्फ पैसे को देखते, हम तो सिर्फ कोठी को देखते, हम तो सिर्फ गाड़ी को देखते, हम तो सिर्फ जाहिरी स्टेटस को देखते हैं, इसीलिए फिर हाल कितना बुरा होता है। तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो उनका एक शागिर्द था और वो गरीब सा था, रोजाना उनकी मजलिस में हाजिर होता था, काफी दिनों तक नहीं आया। काफी दिनों बाद जब आया तो हजरत ने पूछा, क्यों इतने दिन गैर हाजिर रहे? कहने लगा, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था, उस तजहीज और तकफीन और ताजियत में मसरूफ था। जब सबक खत्म होकर वो जाने लगा, हजरत ने पूछा कि दूसरी शादी का इरादा है? उसने कहा, इरादा है का इंतजाम है का मुझ गरीब को कौन लड़की देगा? हजरत ने कहा कि तुम्हारी शादी और रिश्ते का इंतजाम मैं करूंगा, अपनी उस बेटी का निकाह जिसके लिए वली अहद का रिश्ता आया था, उस बेटी का निकाह इस गरीब तालिब इल्म से करवाया। इन लोगों के रिश्तों से और इनके जोड़ से जो औलादे पैदा होती थी वो हसन बसरी बनकर सामने आती थी, वो जुनैद बगदादी बनकर सामने आती थी, वो बिशर हाफी बनकर सामने आती थी, वो अब्दुल कादिर जेलानी रहमतुल्लाह अलैह की सूरत में सामने आती थी। इनके वालिदैन का तस्किरा लिखा है कि इनका वालिद जब जवान था रास्ते से गुजर रहा था नहर के किनारे पर, उस नहर में एक सेब तैर रहा था, इनको भूख लगी हुई थी, उस सेब को उठाया और भूख की वजह से खा लिया। फिर दिल में ख्याल आया, ये सेब किसका था? मैंने इजाजत तो नहीं ली थी, पता नहीं ये मेरे लिए जायज भी था या नहीं, सेब कहाँ से आया होगा, इसी की उल्टी रुख पर जब मैं चलूंगा तो किसी बाग से गिरा होगा। चुनाचे जाना आगे था, लेकिन उस सेब की तहकीक के लिए वापस पलटे, काफी दूर जाकर एक बाग नजर आया, इसी बाग से सेब गिरा होगा। बाग के मालिक को ढूंढा और कहा कि मुझसे एक गलती हो गई, तुम माफ कर दो वरना कल कयामत के दिन मेरा क्या बनेगा? उसने कहा, क्या गलती हो गई? कहा, इसी तरह सेब खा लिया था, इसी बाग से गिरा होगा। वो भी समझ गया ये मामूली आदमी नहीं, कहा मैं तो वैसे माफ नहीं करूंगा जब तक तुम मेरी एक शर्त नहीं मानोगे। कहा, कौन सी शर्त? कहा, मेरी एक लड़की है, आंखों से देखा नहीं, कानों से सुना नहीं, जबान से बोली नहीं, हाथों से पकड़ा नहीं, पांव से चली नहीं, उससे तुमने शादी करनी होगी तब माफ करूंगा। इसने सोचा शादी वो भी उससे जो देखती नहीं, जो सुनती नहीं, जो बोलती नहीं, जो पकड़ नहीं सकती, जो चल नहीं सकती, ये तो मुश्किल काम है, लेकिन ये शर्त नहीं मानूंगा तो कयामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। कहा, मुझे शर्त मंजूर है। निकाह का इंतजाम हुआ, निकाह के बाद रुखसती हुई, रुखसती के बाद ये घर गया, देखा खूबसूरत नौजवान लड़की है, बाहर आ गया, कहने लगा, ये तो वो नहीं जिसका मुझे बताया गया था। उसने कहा, यही वो लड़की है, इन आंखों से आज तक गैर महरम को नहीं देखा, इन कानों से आज तक गैर महरम की आवाज को नहीं सुना, इस जबान से आज तक गैर महरम से बात नहीं की, इसके हाथों पर आज तक गैर महरम की नजर नहीं पड़ी। उसी शादी से जो औलाद पैदा हुई, दुनिया उसे पीरे पीरा, शेख अब्दुल कादिर जेलानी रहमतुल्लाह अलैह समझती हैं, वो माएं थी कि बच्चा पेट में है कुरान पढ़ी जा रही है, वो माएं थी कि वुजू करके बच्चे को दूध पिलाई जा रही है, वो माएं हैं दूध पिलाते वक्त उनकी जबान पर कुरान के तराने जारी हुआ करते थे, इसीलिए औलादे भी नेक थी। हमने इस सिस्टम को बिल्कुल उल्टा कर दिया, तो इसीलिए इसको मामूली न समझिए, शादी शरीयत के मुताबिक कीजिए। और शादी की शराइत क्या है? सबसे पहली चीज जो जरूरी है इस शादी के अंदर वो ईजाब और कबूल है, वो ईजाब और कबूल है कि लड़की
या उसके वकील की तरफ से अपने आप को पेश किया जाता है और दुल्हन उसको कबूल करता है। इस प्रोसेस को ईजाब और कबूल कहते हैं। इसमें खुतबा पढ़ लेना सुन्नत है और ईजाब और कबूल ज़रूरी है। किसी की रजामंदी के बगैर उससे निकाह नहीं किया जा सकता। ला यहिल्लु लकुम अंतरिसुन निसा करहा, हलाल नहीं तुम्हारे लिए कि ज़बरदस्ती तुम औरतों से निकाह करो। और दूसरी चीज़ कि दो गवाह भी हों। फरमाया वो औरतें जिना करने वाली हैं जो बग़ैर गवाह के निकाह करती है, दो गवाह भी होना ज़रूरी है। और तीसरी बात, वली की इजाज़त भी बेहतर है। ला निकाह इल्ला बिवलीयिन, बालिगा औरत वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह कर सकती है लेकिन बेहतर नहीं। जिस माँ बाप ने पाला पोसा, तरबियत की, खिलाया पिलाया, खिलाने में ख्याल रखा अच्छा खाए, पिलाने में ख्याल रखा अच्छा पिए, पहनाने में ख्याल रखा अच्छा पहने, तालीम में ख्याल रखा अच्छी तालीम दी जाए, सवारी में ख्याल रखा अच्छी सवारी दी जाए, माहौल में ख्याल रखा अच्छा माहौल दिया जाए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर सोचते और समझते होंगे। लेकिन अगर कोई औरत वली की इजाज़त के बगैर भी निकाह कर ले और वो बालिगा है तो शरीयत में गुंजाइश है। इसी तरह हदीस में आया निकाह को मस्जिद में करो और निकाह को जाहिर करो, छुपाओ नहीं। निकाह और जिना में फर्क ये है, जिना छुप कर होता है, निकाह खुलेआम होता है। आलिनु हाजन निकाह वजालूहु फिल मसाजिद, इस निकाह का ऐलान करो और इसे मस्जिद में रखो। हुक्म है, हम हॉल में रखते हैं। आजकल तो कोरोना है, आम हालात की बात है। किसी भी मौलाना साहब को कहते जी निकाह है और हॉल में है, मौलाना साहब कहते जी देर हो जाएगी। नहीं नहीं जी, हम टाइम के बड़े पक्के, फिक्स 9 बजे निकाह होगा, फिक्स 9 बजे निकाह होगा। फिर वो मौलाना साहब भी उनकी बातों पर यकीन कर लेता है। सबसे ज्यादा जिसको धोखा दिया जाता है ना, वो इस जमाने के इमाम है जिसको मुक्तदी धोखे देते। हर आदमी अपना काम निकालता है, तो वो बेचारा 8 बजे उसको लेके जाते हैं, 9 बजे वो पहुंचता है, हॉल खाली होता है, वो समझता है शायद जिन्नात का निकाह, ये नजर नहीं आता। फिर 10-11 बज जाते हैं, उधर लड़की ब्यूटी पार्लर में है, दल तालक जान शर्माई, उधर लड़का उससे बड़े ब्यूटी पार्लर में जाता है, लड़की 20,000 रुपये देती है और लड़का 40 देता है, दास जुड़ सूची फर्क ना की निकीगी। लड़का कहता है ब्यूटिशियन को, मुझे ऐसा बनाओ कि दुल्हन और मुझ में फर्क नजर नहीं आए कि लड़का कौन सा और लड़की कौन सी, इतने पॉलिश और पता नहीं पाउडर लगा के आता है। और फिर उसके साथ दोस्त होते हैं, फिर ढोल वाले आगे होते हैं। भाई किसी को बुरा लगता है तो वो माफ कर दे, लेकिन मेरी मजबूरी है। ढोल वाले आगे होते हैं, उधर आलिम साहब बैठे हुए लेकिन ढोल वाले आगे हैं। ये क्या बताना चाह रहा है कि मैं किस कैटेगरी का आदमी हूं? फिर वो हॉल में आकर डज डूज लगे रहता है। किसी को बोलो अल्लाह का जान दिवाली शर्मोले, बस यार ये औरतें बात नहीं मानती, औरतें बात नहीं मानती। यानी इतना मुबारक अमल हो रहा है, सुन्नत अमल हो रहा है, और उससे पहले भी जो है ना, आप अल्लाह को नाराज करते हो, अल्लाह के रसूल को नाराज करते हो। कल एक प्रोग्राम में मुझसे सवाल हुआ कि जी लोग जश्न मनाएं तो आप मौलवियों का एतराज है, लोग अगर 3 दिन से ज्यादा शोक करें तो आप मौलवियों का एतराज है। मैंने कहा हम मौलवियों को एतराज नहीं, अल्लाह और उसके रसूल को एतराज है। खुशी हो के गम, शरीयत में बाउंड्रीज है, लिमिटेशन है, एक ज्यूरिसडिक्शन है, एक दायरा है, एक जाब्ता है, हुदूद और कयूद हैं, कुछ सिग्नल्स है जिसकी खिलाफ वर्जी की शरीयत इजाजत नहीं देता। तिलका हुदूदुल्लाह फला तअतदूहा, ये अल्लाह की हदें हैं, इसे क्रॉस ना करो।
ये मौलवियों का हुलिया नहीं, ये रसूलुल्लाह का हुलिया है। इन्होंने तो जस्ट कॉपी किया है, इन्होंने तो नकल उतारी है, और खुदा की कसम इस नकल पर अल्लाह इनसे राजी होगा। तो मैंने कहा मौलवियों को एतराज नहीं, अल्लाह और उसके रसूल को एतराज है। जफर आदमी उसे न जानिएगा, खाहो कितना ही साहिब फहमो जका, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तेश में खौफ खुदा न रहा। शादी है लेकिन इस शादी में अल्लाह को नाराज नहीं करना। गम है लेकिन इस गम में अल्लाह से शिकवा और शिकायत नहीं करनी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि उसको मस्जिद में रखो, हॉल में निकाह कितनी नहुसतें होती है आप सबको पता है, यानी निकाह सुन्नत है, उससे पहले भी शैतान को खुश किया और निकाह के बाद जैसे ही निकाह खत्म हुआ डेग फिर शुरू। उसको ऐसे वो डेग वाला भी जो है ना, तो मलकुन हुई आगे आमदन नख हुई, वो भी ऐसे देख रहा होता है, जैसे ही मौलाना साहब खत्म करते डज ये फिर शुरू कर देता है। ऐसा है या नहीं? दे वर्तम स्तर गौ हुआ या जिसे वर्तम स्तर गौ हुई, खुदा का खौफ करो। कुछ तो उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की लाज रखो, कुछ तो उसकी कुर्बानियों का ख्याल रखो। वो तपती हुई धूप में उम्मत के लिए रो रहा है, वो सर्दियों की सर्द रातों में उम्मत के लिए रो रहा है, वो गर्मी में रोजा रखते हुए उम्मत के लिए रो रहा है, वो बदर के मैदान में उम्मत के लिए तड़प रहा है, औद में चांद से हसीन चेहरा उम्मत के लिए जख्मी कराता है, मोती से हसीन दांत उम्मत के लिए तोड़वाता है, उसकी बेटियों को तलाके हुई इस उम्मत की खातिर, उसका बिलाल तपती हुई रेत पर लेटा तो उम्मत की खातिर, उसके खबाब की कमर की चर्बी से आग के अंगारे बुझे तो उम्मत की खातिर, उसकी सवैया को दोलख्त किया तो उम्मत की खातिर, उसकी जुनेरा को आंखों के ताने मिले तो उम्मत की खातिर, उसके अबू फकीहा की पसलियों को तोड़ा गया तो उम्मत की खातिर, उसने शाबे भी तालिम में 3 साल तक पत्ते चबाए थे तो उम्मत की खातिर, वो सारी रात जन्नतुल बकी में रोता रहा तो उम्मत की खातिर। आज हमने इस सुन्नत नाम सुन्नत, इससे पहले भी उस नबी को नाराज करना है, इसके बाद भी उस नबी को नाराज करना है। अरे दोनों जहानों के महबूब रब्बुल आलमीन को नाराज करके, उसकी सुन्नतों के जनाजे निकाल कर, शरीयत की धजिया बिखेर कर, अगर आपके घर में सुकून आ सकता है, ई ख्याल अस्तो महान अस्तो जुनून अस्त, ये नहीं हो सकता। ये कोई जज्बाती बातें नहीं है, ये रियल फैक्ट आपको बता रहा हूं। तो कम से कम निकाह को आम करो और मस्जिद में निकाह करो, और जिसकी शादी है वो पहली सफ में नमाज पढ़े, उस दिन भी वो नमाज के लिए नहीं आता, उसकी नई जिंदगी का पहला दिन, हम कहते हैं ना नए साल का पहला दिन, उसकी नई जिंदगी का पहला दिन, लेकिन इस दिन भी इसको नमाज की तौफीक नहीं होती। क्यों? कि वो ब्यूटी पार्लर में बैठा हुआ है, फिर अगर जल्दी फारिग हो भी गया तो कहता है सजदे में जाऊंगा क्रीम खराब होगी। हाँ हाँ बता रहा हूं आपको, बालों का हेयर स्टाइल खराब होगा, कपड़ों का क्लफ खराब होगा, सुन्नत अमामा इसने जिंदगी में नहीं पहना। आज वो यहूद और नसारा की फिल्में देखकर वो पगड़ पहन कर आता है, कहता है इसका टच खराब होगा, दोस्त उसको बाहर जबरदस्ती रोकते, नमाज हो जाए लोग निकल आए फिर आएंगे, अलग से हिंदू तुम मुसलमान नहीं हो। ये वो सारी बातें हैं जिसने बेड़ा गर्क करके रख दिए। तो निकाह को मस्जिद में करो, और फिर रुख्सती को आसान करो, पर्दे में करो। लड़की से इजाजत के लिए वली वो हो जो महरम हो, हम वली भी उसको बनाते जो लड़की से इजाजत रहे, जो उसका महरम नहीं होता है, ये उसका कजन जा रहा है, ये फलाना अल्लन फकीर जा रहा है, वो भी ऐसे बास्केट जो है ना लगा के जा रहा होता है, बाप जाए चचा जाए मामू जाए भाई जाए, उसका जो महरम है वो जाए, 100 औरतों के बीच में गैर महरम साहब जा रहे हैं, इसलिए वो महरम जाए। कौन जाए? महरम जाए। और फिर इजाजत के बाद रुख्सती के बाद
वलीमा करें। वलीमा अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह तआला ने निकाह किया। आका को पता चला, कहा तुमने निकाह किया, हमें पता ही नहीं चला। उसने कहा जी बस हमने आपको तकलीफ नहीं दी। आपने फरमाया वलीमा करो अगरचे एक बकरी क्यों ना हो। जरूरी नहीं है कि 10 लाख का हॉल हो और 10 लाख के खाने हो। नहीं नहीं नहीं, आप किसी से कर्ज नहीं ले। आप खजूर और दूध दे, आप सालन और रोटी दे, आप 50 लोगों को बुलाए, वलीमा करो अगरचे एक बकरी हो। और फरमाया वो वलीमा बदतरीन है जिसमें गरीब ना हो। सारे अमीर अमीरों को बुलाया, गरीब पड़ोसी रिश्तेदार को छोड़ दिया। और उस वलीमे में रसूमात ना हो, खराफात ना हो, बिदात ना हो, इन चीजों से इज्तिनाब करें। आप इस तरीके पर औलाद की शादियां करें, जल्दी करें, सुन्नतों के मुताबिक करें। आप देखें घर में सुकून, मुआशरे में सुकून और हमारे मुल्क के अंदर सुकून, और अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए।